चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की नीतियों से तंग आकर नगर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले के साथ भ्रमण किया और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। नगर भ्रमण करने के पश्चात वीआईपी गेट के समीप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बीएसएफ जवान नरेंद्र सिंह की पाकिस्तानी रेंजरों के द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। क्या नाम है आप? सुधीर चौहान, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या कार्यक्रम था? हम लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। जो पाकिस्तान में आए दिन जब से सरकार बनी है, पाकिस्तान में इमरान खान की, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ की सरकार सिर्फ आतंकवादी संगठन के तरफ और जो वहाँ की सेना है उसके तत्वाधान में वहाँ पर चल रही है। इसीलिए हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फूंका कि हमारे जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में जो हमारे हिंदुस्तान के जो सिपाही और दरोगा थे उनकी हत्या की गई, इसके खिलाफ हम लोगों ने आए दिन जो हत्याएँ हो रही हैं इसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला फूंका। आज हम लोगों ने पाकिस्तान रूपी जो आतंकवाद है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने पुतला फूंका। क्यों? क्योंकि जो आतंकवाद हमारे जम्मू कश्मीर में जो सिपाहियों की हत्या हुई है उसका विरोध करते हुए जो पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका।